फ्रेंड्स, मैं प्रियंका प्रियंका बसु चैनल से आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक आज के दिन से ही है। आज का दिन 5 जून, 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आज पर्यावरण जो हमारी ही जीवनदाता है, पर्यावरण जीवनदाता मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। पर्यावरण, पेड़ पौधे ही हमें सांस लेने की शक्ति देते हैं, श्वास लेने की हिम्मत देते हैं। श्वास, शुद्ध श्वास उन्हीं से ही ली जाती है जो हमारे गंदगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हम छोड़ते हैं, वो अपने अंदर सम्मिलित कर लेती हैं और हमें शुद्ध वायु, शुद्ध हवाएं, श्वास लेने की ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज कुछ अभी तो कोरोना ख़त्म नहीं कह सकते क्योंकि टल गया है। जो इतनी महामारी लेके आया था उसमें क्या दिक्कत थी, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण, उसमें ऑक्सीजन था। जब इंसान में ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रही थी, जीवन ही ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन अगर इस रास्ते से हम नहीं सीखे तो फिर हमारे लिए बहुत ही देर हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को पहली बार मनाया गया था, जो 1972 के संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने के लिए 1972 में इसको शुरुआत की थी कि हमें आपको इसके प्रति जागरूक हो और हमें और अब हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ये समझाएं कि पेड़ पौधे कितने ही ज़रूरी हैं हमारे लिए। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो समय पे बारिश नहीं होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और बारिश नहीं होगी तो फिर आप जानते ही हमारी फसल नहीं तैयार होगी, हमारे जीव जंतुओं के लिए पानी नहीं मिलेगी, हमें नहीं पानी मिलेगी। जब हमारी धरती उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगी पानी को, तो फिर हमें पानी देगी कहाँ से। और इसलिए हमें पेड़ पौधे ही ज़रूर लगाने चाहिए। हर एक मनुष्य अगर 2, 4, 5 पौधे लगाए तो फिर हमारी धरती तो हरी भरी हो जाएगी। पेड़ पौधों के मामले में हमारी धरती हरी भरी थी ही, लेकिन आज का जनरेशन जो बड़ी बड़ी ऊँची ऊँची लंबी लंबी इमारतें चाहते हैं और फैक्ट्रियां बैठा रहे हैं, उनको जंगलें काट के, जंगलों को एकदम तबाह करके उसको, और वहाँ जो इमारतें बन रही हैं, जंगल कटने से जो हमें दिक्कत हो रही है, पर्यावरण से दूर हटाया जा रहा है। इसलिए एक त्रासदी आना ज़रूरी था हमारी आंखें खोलने के लिए कि पर्यावरण को इस तरह से कष्ट मत दीजिए। अगर वो प्रकृति है, प्रकृति जब अपने पे आ गई ना, फिर हम आप इंसान कुछ नहीं है उसके आगे, कुछ भी नहीं है उसके आगे। और हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रकृति से खिलवाड़ी, वहाँ वहाँ प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। हमें पेड़ पौधे के प्रति अपना रवैया बदला, उन्होंने भी अपने कोरोना लाके उन्होंने अपनी त्रासदी दिखाई। उत्तराखंड में जो बड़ी बड़ी पर्वतों को काट के वहाँ जो बांध बनाई जा रही है, उस तरह से जो प्रकृति आपदा आई थी उत्तराखंड में, उससे तो आप याद ही होगा। इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ मत करिए, प्लीज़ प्रकृति से खिलवाड़ मत करिए। प्रकृति हमारे जीवनदाता है। जैसा प्रकृति ने अपने आप को ढाला है, बस उसी तरह रहने दीजिए। उसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। छेड़छाड़ करने से जो हमारी त्रासदी आएगी उससे हम रोक भी नहीं पाएंगे। कोशिश तो बहुत होती है, लेकिन जो प्रकृति को करना है वो तो करके ही जाती है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते इंसान, हम उसके आगे शून्य हैं, कुछ नहीं कर सकते। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जो हमारे हमारे प्रकृति को पूरा आवरण में ढका हुआ है। हमारे आसपास जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसलिए अपने आसपास की हम प्रकृति को ना काटें, ना उसको कष्ट ना पहुँचाएँ। उससे कष्ट नहीं पहुँचाएंगे तो हमें भी वो कष्ट नहीं देगी। और पेड़ पौधे तो बहुत ही आवश्यक हैं। जहाँ आपने भी देखा होगा, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी शहरें हैं, जहाँ पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है, वहाँ गर्मी का प्रकोप इतना रहता है, प्रकोप इतना रहता है कि बस मनुष्य एकदम तड़प के रह जाता है गर्मी से। वहाँ बस एसी और पंखे, कूलर, इससे ही राहत मिलती है। प्रकृति की हमारे तो वहाँ जाते ही नहीं। आप गाँव को ही देख लो, बस प्रकृति बस गाँव में ही रह गई है। गाँव में देखिए
अगर लाइट वगैरह कटती है तो लोग जाके बागीचे में पेड़ों के नीचे बैठ के अपना दिन काट लेते हैं, और वो जो शुद्ध हवा हमारे शरीर में लगती है उससे मेरा मन पवित्र हो जाता है। उसके आगे तो कूलर एसी की पंखे की हवाएं एकदम तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, बस हमारी गर्मियाँ मिटाएंगी वो, हमें मन को, मेरे मन को शांत, हमारे मन को शांत नहीं करेंगी। पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष के सभी को मिलाकर बनता है ये सभी चीज़ें, यानी कि पर्यावरण हमारे हमारे सभी चीज़ों को अपने अपने अंदर समेट लेता है, हमारी गंदगी, हमारी बुरी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समेट के हमें अच्छी चीज़ें देता है, बारिश देता है जिससे हमारे जीव जंतु, हमारे खेतों में फसल अच्छी हो और हमें पानी मिले, हमें स्वच्छ हवा मिले, बारिश मिले। इसलिए हमें पर्यावरण को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, कभी नहीं पहुँचाना चाहिए। यहाँ तक भी हमको ये सीखना चाहिए कि जब जो पहले हमारी प्रकृति इतनी सुखदायी थी, आज हमें दुख क्यों दे रही है, ज़रा सोचिए क्यों दे रही है, क्योंकि हम उन्हें दुख दे रहे हैं, हम उनके प्रकृति में बाधा बन रहे हैं, मनुष्य बाधा बन रहे हैं। जी हाँ, ज़रूर बन रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी बनाई हुई जंगलों को, उनके बिछाए हुए पर्वतों को, हम उनको काट छाट के अपने प्रकृति में अपनी प्रकृति में ला रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हम प्रकृति ने जैसा अपना स्वभाव बनाया उसको बहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, अपने आप में उस संपूर्ण है, उसमें हमें कुछ छाटना काटना नहीं है। हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट के ज़मीन हमारी बंजर हो रही हैं। बंजर क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं क्योंकि पेड़ हमें कट रहे हैं, वहाँ की ज़मीनें बंजर हो रही हैं, बारिश कम हो रही है तो पानी ज़मीन को, जब उपजाऊ भी नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा ही नहीं तो फिर बंजर तो होंगी ही होंगी। इसलिए पेड़ पौधे काटना बंद करिए। आज तो हम पानी ले पी पा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, उनको सोचिए उनको कितनी दिक्कत होगी, उनको कितनी दिक्कत होगी। आज तो फिर भी ठीक है, हम जी रहे हैं, पानी बर्बाद करे जा रहे हैं। हम अब अपने पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमको अपनी पीढ़ी के बारे में सोचना है कि अगली पीढ़ी हमारी कैसी होगी, किस तरह से जिएगी। इसलिए प्लीज़ 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 पेड़ों को मत काटिए। मैं पर्यावरण दिवस पर बस यही कहना चाहूँगी कि पेड़ों को मत काटिए, और जहाँ तक हो पेड़ लगाना शुरू करिए, हरियाली पैदा करिए। पेड़ों को आप लगाएंगे तो पेड़ हमें बहुत कुछ देंगे, शुद्ध हवा देंगे, बारिश देंगे, इस पर्यावरण में जो गंदगी है वो अपने अंदर समेटेंगे, जिससे हमें शुद्ध हवाएं, शुद्ध जल प्राप्त होगा, और हमें जो एक कोरोना वगैरह महामारी वगैरह होती है उसे लड़ने की शक्ति देगी। इसलिए पेड़ों को मत काटिए, मानव और पर्यावरण का एक दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे मानव और पर्यावरण दूसरे पर ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर्यावरण हमसे निर्भर है, हम पर्यावरण पर निर्भर हैं। हम पेड़ों को लगाएंगे तो पेड़ हमें शुद्ध हवा देगी, बारिश देगी, इसलिए हम पूरक हैं एक दूसरे के। हाँ एकदम, हम पूरक हैं एक दूसरे के, इसलिए हम अपने पूरक को मत काटिए, अपने जीवन को कष्ट मत पहुँचाइए। जी हाँ, जब हम प्रकृति को कष्ट पहुँचाएंगे तो प्रकृति हमें भी कष्ट पहुँचाएगी, जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को कष्ट नहीं पहुँचाना है। हमें जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, जिस वृक्ष में पीपल, बरगद, नीम, अशोक, अर्जुन, जामुन, ये सारे वृक्ष लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। क्योंकि हमने अभी देखा कुछ महीने, अभी भी है कोरोना, तो अभी ख़त्म तो हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ हद तक कम हुआ है। इसलिए हमें जहाँ तक हो ज़्यादा ऑक्सीजन वाले वृक्ष को हमेशा हर जगह 2, 4, 10 तो लगाने ही लगाने चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब पेड़ तो हमको लगाने ही चाहिए, हमको अपने बच्चों से सिखाना चाहिए कि आप जिस अपने जन्मदिन के दिन, अपने अच्छे काम के दिन एक पेड़ तो ज़रूर लगाओ, जिससे हमारी जागरूकता बढ़ेगी, बच्चों में भावना पैदा होगी कि हाँ हमको पेड़ लगानी है, पेड़ को काटनी नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, आज के दिन, इस पर्यावरण दिवस के दिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि पेड़ों को मत काटिए। जबकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए पेड़ों को आप मत काटिए, पेड़ों को लगाइए। अपने बच्चों पे जागरूकता फैलाइए कि वो अपने जन्मदिन के दिन,
वो अगर पास हो रहे हैं किसी चीज़ में, अच्छे नंबर्स ला रहे हैं उस दिन, उसको खुशी है, तो खुशी कैसे जाहिर करें? पेड़ों को लगा के जाहिर करें। पेड़ हमारी जन्मदाता है, पेड़ों को मत काटिए, क्योंकि हमारे जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पेड़ लगाइए, प्लीज़ पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए मत। क्योंकि प्रकृति में जो सुंदरता है, जो शुद्ध हवाएं हमें देती है, जो सुंदरता है ना, वो किसी बनावटी चीज़ों में नहीं है, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं कि जाइए उत्तराखंड में, जाइए उत्तराखंड में, वो सुंदरता है कि क्या बताया जाए। फिर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, प्रकृति की कितनी अद्भुत करिश्मा है वहाँ। इसलिए प्रकृति को बर्बाद मत करिए, प्रकृति को बर्बाद करोगे तो प्रकृति हमें बर्बाद कर देगी। इसलिए प्रकृति को मत बर्बाद करिए, प्लीज़ पेड़ लगाइए, जहाँ तक हो आप पेड़ लगाइए। आप पेड़ को अगर नहीं लगा सकते तो पेड़ को बर्बाद भी मत करो, प्लीज़। अगर आपके सामने पेड़ कोई बर्बाद कर रहा है तो आप जरूर टोको, जरूर रोको। हमें अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि हमारी खुशी और हमारा दुख सिर्फ पेड़ों में है, पेड़ों से ही हमारी जीवन है। पेड़ अच्छे भरपूर होंगे तो हम भी भरपूर होंगे, इसलिए पेड़ लगाइए प्लीज़। और मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ 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 हमें मैसेज करके, रिप्लाई करके बताइए, जो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और प्रकृति को बर्बाद ना करें। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।